बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सफ़ेद चने का सालन या शोरबे वाले सफ़ेद चने। ये कैसे बनते हैं, इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने लिया प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, टमाटर, चनों को हमने रात भर भिगो के पानी में रख दिया था। और ये देखिए आप, उसको कैसे नरम हो चुके हैं। अब इसको पकाने का तरीका आपको बताते हैं। इसके हमने चूल्हे के ऊपर डाली है, घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं प्याज, प्याज को ब्राउन कर लेंगे पहले। आप देख सकते हैं प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है। इसी दौरान अब हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। डाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। डालेंगे टमाटर का पेस्ट, हरी मिर्चें, तमाम मसाले डाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और हरी मिर्चें अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम डालेंगे लाल मिर्चें पिसी हुई एक चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक हाथ पैर जायका, सूखा धनिया पिसा हुआ दो चम्मच, साबुत ज़ीरा एक चम्मच डालकर इसी तरह से तमाम मसाला जात को मिक्स कर लेंगे। और तकरीबन आधा कप पानी का डाल लेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से पक जाए और नरम हो जाए। और ढक्कन लगा लेंगे ऊपर। तो तमाम मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं, आप देख सकते हैं मसाला जात ने घी भी छोड़ दिया है। इसी दौरान अब हम डाल रहे हैं चने। तो चनों को हमने मसाला जात में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन दो कप पानी ताकि हमारे चने अच्छी तरह से गल जाएं। पानी डालकर चनों को ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए ताकि हमारे चने अच्छी तरह से गल जाएं। तो अभी हम चेक करते हैं हमारे चने का सालन कहाँ तक पहुँचा है। तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं जी। माशाल्लाह हमारे चने का सालन बिल्कुल पक कर रेडी है। आप देख सकते हैं घी ऊपर आ चुका है। अब हम सालन को डिश आउट कर लेंगे। तो अभी हम डिश आउट करने लगे हैं चने का सालन को। चने को हमने डिश आउट कर लिया है, आप देख सकते हैं चने हमारे बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ लीजिए हम इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।